गुड मॉर्निंग गाइस, वेट, ये मैं कहाँ पे हूँ? मेरा घर, मेरे सारे बिल्स और मेरा सारा सामान कहाँ पे गया? और ये मेरे हर्ट्स को क्या हुआ? व्हाट? एक मिनट, मैं हार्डकोर वर्ल्ड में हूँ क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि गाइस, आज से हम लोग माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, माइनक्राफ्ट पी हार्डकोर। बट मैं पहले ही बता दूं, ये हमारी हार्डकोर सीरीज मेरी सर्वाइवल सीरीज के बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाली है। मतलब जब मैंने अपना सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट किया था, तब मैं एक बिगिनर था और वहाँ पे मैंने सारे बिल्ड्स बेसिक बनाए हैं। बट यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि मैं जितने भी बिल्ड्स बनाऊँ सारे अल्टीमेट लेवल का बनाऊँ। और गाइस, मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप मेरी सर्वाइवल सीरीज को जितना प्यार देते हैं, मेरी हार्डकोर सीरीज को उससे डबल प्यार दे, क्योंकि ये हार्डकोर वर्ल्ड है। मेरी एक छोटी सी गलती और मैं डेड, और फिर मैं दोबारा इस वर्ल्ड में कभी आ भी नहीं पाऊंगा। बाय द वे, आज आप लोगों को मेरी आवाज थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि मेरा तबीयत खराब है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। सो प्लीज गाइस, आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मुझे इससे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए हमारी हार्डकोर जर्नी को शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने हार्डकोर वर्ल्ड का नाम रखने वाला हूँ ब्लेजपुर, जो कि मुझे इस भाई ने कमेंट किया था और मुझे ये सही लगा था। और मैं यहाँ पे रिसोर्सेज पैक में जाकर सबसे पहले वो हार्डकोर वाला एड ऑन एड कर लेता हूँ, एक्टिवेट कर लेता, और इससे पता नहीं मेरे अचीवमेंट्स क्यों ऑफ हो जा रहे हैं, बट कोई ना। और यहाँ पे मैं जनरल सेटिंग में जाके यहाँ पे बस शो कोऑर्डिनेट्स को ऑन करूंगा, और यहाँ पे मैंने वर्ल्ड सीट कुछ भी नहीं लगाया, आप देख सकते हो ये वाला डिफॉल्ट वाला ही रहता है, और यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। आप लोग को तो पता है कि माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर वर्ल्ड लोड होने में 100-200 साल लग जाते हैं, तो मैं आपसे मिलता हूँ 100-200 साल बाद। तो हम लोग यहाँ पे स्पॉन हो चुके हैं सवाना बायोम पर। हमारे सर्वाइवल वर्ल्ड का स्पॉन पॉइंट भी सवाना बायोम ही था। अब देखना ये पड़ेगा क्या ये भी हमारे सर्वाइवल वर्ल्ड की तरह लकी होगा। और इस वीडियो में हमारे पास दो गोल भी रहेंगे, एक विलेज फाइंड करना और अपने लिए एक आयरन का आर्मर बनाना। खैर वर्ल्ड जो भी हो, हार्डकोर या सर्वाइवल, सबसे पहले तो हमको पेड़ ही काटने, तो चलिए फटाफट से कुछ पेड़ काट लेते हैं। अब फटाफट से इसे कुछ प्लैंक्स बना लेते हैं और अपने लिए स्टार्टिंग के कुछ टूल्स बना लेते हैं। तो हमारे टूल्स तो रेडी हैं, अब हमको अपने लिए भोजन और रात के लिए बेड का इंतजाम करना होगा, नहीं तो रात में ज़ॉम्बीज़ स्पॉन होकर मेरी हार्डकोर जर्नी को आज ही समाप्त कर देंगे। भोजन और बेड का इंतजाम तो हो गया है, मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत आयरन दिख रहे हैं, जो कि जितने भी हम लोग को काम ही आएगा, एटलीस्ट हम लोग अपना शील्ड बना पाएंगे। बट उससे पहले हम लोग अपने टूल्स को स्टोन में अपग्रेड कर लेते हैं। स्टोन माइन करते करते मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत कोल भी मिल गया है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्टोन की पिकेक्स और एक्स बना लेता हूँ, फिर मैं दोबारा से लग जाता हूँ कोल माइन करने। हमको वहां से कोल तो काफी ज्यादा मिल गया, अब देखते हैं हमको आयरन कितना मिलता है। यहाँ पे 2 और ये 3 और ये 4, इससे ज्यादा नहीं होगा शायद अंदर, बट कोई बात नहीं, हम लोग का शील्ड के साथ साथ स्वॉर्ड भी बन जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब फटाफट से यहाँ पे अपने लिए एक फर्नेस बना लेते हैं, फिर हम लोग अपने आयरन को भी उसमें स्मेल्ट होने रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने आयरन रख दिया और यहाँ पे मैं कोल भी रख देता हूँ, और अब वेट करते हैं आयरन स्मेल्ट होने का। यहाँ पे 2 आयरन स्मेल्ट हो चुके हैं, तो मैंने यहाँ से अपने लिए एक शील्ड बना लिया, अब इसको पहन भी लेते हैं। और जब तक बाकी के 2 आयरन स्मेल्ट हो रहे हैं, तब तक हम लोग थोड़े बहुत पेड़ काट लेते हैं। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पर हमारा स्वॉर्ड भी रेडी है, अब हम लोग अपने लिए थोड़ा बहुत भोजन पका लेते हैं। A few moments later. तो हमारा भोजन भी रेडी है, फटाफट से इसको यहाँ से लेते हैं और अपना बोरिया बिस्तर उठाते हैं यहाँ से, फिर हम लोग चलते हैं एक विलेज ढूंढने। मुझे यहाँ पे दूर से ही कुछ मेलन्स दिख रहे हैं, और मैंने सुना है मेलन्स के पास ही विलेज होता है। लेट्स गो गाइस, होता है मेलन्स के पास ही विलेज, ये बात एकदम कंफर्म हो गई आज। तो चलिए फटाफट से विलेज में चलते हैं। विलेज में जाने से पहले फटाफट से इनको भी ले लेते हैं। यहाँ पे रात भी हो गई है, तो आज की रात हम लोग खुले आसमान के नीचे ही सोते हैं, फिर कल से तुमको विलेजर्स के घर में ही कब्जा करना है, किराया दे के रहना है। तो चलिए फटाफट से बेड तोड़ लेते हैं और जाके देखते हैं इन विलेजर्स ने अपने मेहमान के लिए क्या क्या चीज रखा है। इतना गरीब विलेज मैंने आज तक नहीं देखा, लिटरली मैंने यहाँ पे सारे घर चेक किए, बट मुझे यहाँ पे बस एक ही चेस्ट मिला। बस मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना दिख रहा है, तो चलिए फटाफट से इसी को ले लेते हैं, और क्या ही कर सकते हैं।
मैंने यहाँ पे ब्रेड बना लिया, अब इस नॉनवेज को साइड कर देते हैं। इसी के साथ हमारा पहला गोल तो कंप्लीट हो चुका है, हम लोग को यहाँ पे एक विलेज मिल चुका है। अब चलिए फटाफट से एक बढ़िया सी केप देखते हैं और हमारा आयरन का आर्मर कंप्लीट करते हैं। मुझे यहाँ पे एक आयरन गोलम दिख रहा है, बट मैं इसको मारने का गलती नहीं करूंगा अभी, क्योंकि हार्ड गोल में ये मुझे वन शॉट कर देगा। अभी मेरे पास कुछ आर्मर वगैरह भी नहीं है एक भी। केप मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, अंदर जाके देखते हैं अगर मुझे थोड़ा बहुत आयरन मिल जाए। यहाँ पे हार्ड गोल है इसीलिए मुझे अंदर जाने में भी डर लग रहा है, बट कोई ना, टॉर्च लगाते हुए जाते हैं। कोई ज़ॉम्बी रहेगा तो मार देंगे उसको शायद। बट ये क्या, ये गेम तो शुरू होते ही ख़त्म हो गई है। शायद ये एग्जिट है। यस सही था मैं, ये तो एग्जिट निकला। अबे यार कुछ भी आयरन मिला। ओ भाई साहब, अभी तो मैं ऐसे बड़े बड़े केब में जाने का साहस बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि हार्ड कोर है, मैं फॉल डैमेज से भी फट से मर जाऊँगा। और ज़ॉम्बीज ये लोग तो छोड़ ही दो, ये लोग तो मेरा कुत्ता बना देंगे एकदम। बट मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत कोल दिख रहा है तो फटाफट से इसको ही ले लेते हैं। यहाँ पे मुझे एक और छोटा सा केव मिला है, बट यहाँ पे भी सिर्फ कोल के अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक मकड़ी मुझे मारने आ रही है, तो क्या आप लोग को लगता है कि ये मुझे मार पाएगी? अबे यार डैमेज तो तगड़ा दे रही है। यहाँ पे मैंने इस मकड़ी को तो मार दिया, बट ये केव भी अंदर जाने लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यही से मुझे काफी ज्यादा खतरा दिख रहा है। वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे एक ज़ॉम्बी और क्रीपर मेरा वेट कर रहे हैं। यहाँ पे शायद ज़ॉम्बी ने मुझे देख लिया। अभी इतना दूर से कैसे देख सकता है? अबे यार ये हार्डकोर वर्ल्ड है, कुछ भी हो सकता है। मुझे कोना ढूंढना पड़ेगा। मैं स्टक हो चुका हूँ, मैं गया शायद। प्लीज नो लेस वर्ड का। रुक जा ले। और एक हिट बस, और एक हिट बस, ये तो गया। अबे यार छोटू नहीं, तू प्लीज़ चल जा, मुझे मारना नहीं है तुझे, प्लीज़। हाँ खत्म। यहाँ पे मैंने कैसे ना कैसे अपनी जान बचा ली है, बट अब मैं आपसे मिलूंगा एक अच्छा सा केप ढूंढने के बाद। One eternity later. यहाँ पे मैं केप ढूंढने के लिए काफी ज्यादा दूर आ गया, और यहाँ पे मुझे थोड़े बहुत आयरन भी दिख रहे हैं, तो चलिए फटाफट से सारे आयरन को कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी पिकेक्स टूट चुकी है, और यहाँ पे मुझे मिला है 42 आयरन, जो कि मोर देन इनफ है। अब चलिए फटाफट से घर चलते हैं, बैक टू द विलेज गाइज। और इसी घर में मैं कब्जा करने वाला हूँ, आई मीन रहने वाला हूँ। यहाँ पे मुझे एक ब्लास्ट फर्नेस भी मिल चुका है, तो सारा आयरन को स्मेल्ट होने रख देते हैं। एंड अब देखो गाइस, यहाँ पर मैंने अपना सारा सामान भी रख दिया है अच्छे से एकदम। अब फटाफट से अपना आर्मर भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारे चेस्ट प्लेट आ गई, यहाँ पर हमारा लेगिंग्स आ गया, यहाँ पर हमारे बूट आ गए, और यहाँ पर हमारा हेलमेट आ गया। यहाँ पर मैंने एक डबल चेस्ट भी रख दिया, अब अपना सारा सामान इसमें रख देते हैं। तो गाइज फाइनली यहाँ पे मैंने अपना दूसरा गोल भी कंप्लीट कर लिया। तो चलिए आज की इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। आप इस वीडियो में जितना प्यार दिखाओगे, इसका नेक्स्ट पार्ट भी उतना ही जल्दी आएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और राम राम।